Dear students, today I am going to start chapter 3 of class 8. Topic is square and square roots. First, hum dekhenge what is the square of a number. The number obtained by multiplying a number with itself is called a square of that number. Jis number ka aapko square nikalna hoga, उस नंबर को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्क्वायर ऑफ द नंबर पता कर सकते हैं. एग्जांपल स्क्वायर ऑफ ए, तो यहाँ पर ए को दो बार मल्टीप्लाई किया गया है तो आप ए का स्क्वायर आप निकाल लिए. अदर एग्जांपल्स, वन का स्क्वायर 1 × 1 इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 2 × 2 इक्वल टू 4. तो ये सब जो ए स्क्वायर, वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर, ये सब जो है स्क्वायर ऑफ द नंबर कहलाता है. सेकेंड टॉपिक इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर. व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे आप. परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज दैट नेचुरल नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहने का मतलब है कि जिस आप नेचुरल नंबर का आप स्क्वायर निकालेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा. जैसे 1, 1, 4, 9, 16, 25, ये सब जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है. जैसे 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. इसी तरह से आप करते जाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका मिलते जाएगा. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स. स्क्वायर्स के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं इसके बारे में जानेंगे जिससे कि मैथ्स सोल्व करने में आसानी होगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर. इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर के रूप में ही आता है. फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर 4, 2 आपका इवन नंबर है और 4 भी आपका इवन नंबर है. 2 का स्क्वायर आप किए, 2 इवन नंबर का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो 2 भी इवन नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं और 4 भी इवन नंबर है. सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16, 4 का 4 भी एन इवन नंबर है और उसका स्क्वायर 16 जो आया वो भी इवन नंबर है. कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर. सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर का स्क्वायर आपका ऑड नंबर ही मिलता है. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, etc. थर्ड प्रॉपर्टी इज, इफ द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए नंबर इज इवन देन दिस नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर आपका कोई भी नंबर है उसके एंड में जो जीरो का नंबर है वो अगर इवन नंबर के रूप में होता है तभी हम कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है. जैसे 100 में 20 है, 20 दैट मीन्स कि इवन डिजिट में है. 400 में भी 20 है और यहाँ पर आपका 90,000 लिखा गया है, 90,000 में 40 है, तो 40 दैट मीन्स कि इवन नंबर पर 0 है, तो इसका ये परफेक्ट स्क्वायर हम इस नंबर को कह सकते हैं. लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना है कि जीरो के अलावा जो नंबर लास्ट में आपका फर्स्ट में है जैसे 9, 4, 1 ये सब है तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए. जैसे 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 1 जो है 1 का स्क्वायर है, तो ये सब भी स्क्वायर के रूप में होना चाहिए और 0 आपका इवन नंबर डिजिट में होना चाहिए तभी हम कहेंगे कि ये सभी जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. दैट्स ऑल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू नंबर्स. कहने का मतलब ये कोई भी दो नंबर, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है वह दोनों नंबर के सम के इक्वल होता है. सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. यहाँ पर दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिया गया है, एन एक नेचुरल नंबर के रूप में है और उसके जस्ट अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, एन प्लस वन.
तो ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा ये दोनों के सम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा गया है एन प्लस वन प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 16 एक नेचुरल नंबर लिया गया, उसके बाद वाला नंबर 17 आएगा, 16 में प्लस वन करेंगे तो 17 आएगा। तो ये दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो आएगा ये दोनों के सम के बराबर होगा, 17 प्लस 16 इक्वल टू 33। इट इज योर आंसर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन वन इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ थ्री और ए मल्टीपल ऑफ थ्री प्लस वन। कहने का मतलब है किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर जो होता है वन को छोड़कर, ध्यान देना है, वन को छोड़ के अदर किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे टू लिए हैं तो टू का स्क्वायर फोर आएगा, तो फोर को हम थ्री के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, थ्री इंटू वन और फिर प्लस वन करेंगे तो फोर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन वन इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ थ्री और मल्टीपल ऑफ थ्री प्लस वन। तो थ्री के मल्टीपल में तो थ्री के मल्टीपल में भी है यहाँ और प्लस वन कर रहे हैं तब जाकर फोर आ रहा है, यानी टू के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन को हम थ्री इंटू थ्री लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट थ्री के मल्टीपल में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर का स्क्वायर 16, थ्री के मल्टीपल में तो आ ही रहा है लेकिन इसमें प्लस वन कर रहे हैं तब 16 आ रहा है। तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होगा वह थ्री के मल्टीपल के रूप में आएगा या थ्री के मल्टीपल में प्लस वन करेंगे तब आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द स्क्वायर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन वन इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ फोर और ए मल्टीपल ऑफ फोर प्लस वन। जैसे इसके पिछले प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे थ्री के मल्टीपल में या थ्री के मल्टीपल प्लस वन के रूप में आता है, उसी तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर फोर के मल्टीपल में या फोर के मल्टीपल प्लस वन के इक्वल आता है। एग्जाम्पल टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो फोर को हम फोर इंटू वन के रूप में मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन को हम फोर के मल्टीपल में लिख सकते हैं और प्लस वन करेंगे तब जाके होगा। तो जैसा कि प्रॉपर्टी फाइव था सिमिलरली उसी तरह का, वो थ्री के मल्टीपल में था और ये फोर के मल्टीपल में है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस द स्क्वायर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑब्टेंड ऑन एडिंग वन टू देयर प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ देखिएगा, कोई भी नंबर है तो उस नंबर का स्क्वायर और उस नंबर के बाद वाले नंबर, दैट मीन्स कॉन्सिक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर एन प्लस वन का स्क्वायर का सम, उसके बाद ये दोनों नंबर के मल्टीपल के स्क्वायर का सम जो होगा वह ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर के मल्टीपल प्लस वन के स्क्वायर के इक्वल होगा। नंबर के रूप में एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे टू, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, तो टू और थ्री क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, इन दोनों के नंबर का स्क्वायर मैंने लिया और फिर ये दोनों नंबर के मल्टीपल का स्क्वायर का सम भी लिया, तो टू और थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा, तो सिक्स का स्क्वायर, तो ये तीनों के स्क्वायर टू थ्री और सिक्स ये तीनों के स्क्वायर का सम लेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो टू थ्री के मल्टीपल प्लस वन के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो टू और थ्री का मल्टीपल करेंगे तो सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन के स्क्वायर के रूप में आंसर आएगा आपको। आप देख लीजिए जैसे यहाँ पर ये आपका एक सीरीज के रूप में है, जैसे टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, फिर प्लस किसको किया गया है, तो टू इंटू थ्री यानी सिक्स का स्क्वायर किया गया है और रिजल्ट आपका क्या हो आ रहा है, तो सिक्स प्लस वन यानी सेवन के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से समझना होगा किस तरह से हो रहा है, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री सिक्स का स्क्वायर, ये तीनों के सम का स्क्वायर जो होगा, ये आपका लास्ट डिजिट जो है सिक्स का स्क्वायर है, तो इस सिक्स में आप वन जोड़ देंगे तो सेवन के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं बताने जा रहा हूँ। इफ थ्री नेचुरल नंबर्स एक्स वाई जेड आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर वेयर जेड ग्रेटर देन एक्स एंड वाई ऑल्सो देन ट्रिपलेट एक्स वाई जेड इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ब्रैकेट एक्स वाई जेड। कोई भी तीन नेचुरल नंबर एक्स वाई जेड हो तो फर्स्ट टू लास्ट नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर के रूप में रहेगा, बाकी दो नंबर छोटे स्मॉलर में के रूप में रहेंगे। तो आप इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फर्स्ट टू का स्क्वायर का सम अगर थर्ड नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है तो देन दिस थ्री नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5 फाइव इज द ग्रेटेस्ट नंबर। सो आई विल डू हियर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का सम आप करेंगे तो आपको जो आएगा वही 5 का स्क्वायर के इक्वल आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। देन दिस थ्री नंबर्स आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ कुछ फॉर्मूला यहाँ दिखा रहे हैं। कोई भी नेचुरल नंबर एम दिया हुआ रहेगा तो आप उससे थ्री ट्रिपलेट नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर दिया हुआ रहेगा तो उससे तीन नंबर हम कैसे पता करेंगे उसका एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिसको कि आप ध्यान से देखें। फॉर एनी नेचुरल नंबर एम 2m पहला ट्रिपलेट नंबर हो गया, दूसरा ट्रिपलेट नंबर हो गया एम स्क्वायर माइनस वन, तीसरा ट्रिपलेट नंबर हो गया एम स्क्वायर प्लस वन। किसी भी ये ट्रिपलेट तीनों में से कोई एक नंबर अगर आपका दिया हुआ रहे और क्वेश्चन ये कहे कि ट्रिपलेट नंबर्स पता करें तो आप इस फॉर्मूले की मदद से ट्रिपलेट नंबर्स आप पता कर सकते हैं। दैट्स ओके। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज को बनाने के लिए। आप 3.1 एक्सरसाइज बनाएंगे घर पे, जो भी नियम बताएं या जो भी प्रॉपर्टी बताएं उस बेस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है जिसकी मदद आपको एक्सरसाइज बनाने में होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो प्रॉपर्टी में बताया गया था कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है वह उसके सम के इक्वल होता है। आप ये दोनों नंबर को केवल सम कर देंगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो ये भी कंडीशन मैंने बताया था 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर आएगा तो 4 इंटू 5 यानी 20 का स्क्वायर आएगा। 20 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 21 का स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स 4 इंटू 5 21 का स्क्वायर आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35 का स्क्वायर प्लस एंड 86 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसको इजी से इजी तरीके में आप देखें। 35 का स्क्वायर 3 में प्लस 1 कर देंगे, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 है तब ये कंडीशन लागू होगा। जैसे 35 में 5 है यूनिट प्लेस पर जो हमारा डिजिट है वो 5 है तो इसको इस रूल पर बनाएंगे। अगर इसका स्क्वायर निकालना होगा तो 35 का स्क्वायर तो 3 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 5 यूनिट प्लस का जो डिजिट है वो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 100 1200 प्लस 5 का स्क्वायर 25 दैट मीन्स 1225 इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन 86 का स्क्वायर तो 80 प्लस 6 इसको डायरेक्ट स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, आपको निकालना है इसको एक फॉर्मूला पर आइडेंटिटीज पर उसी पर बनाना है। तो 86 को हम 80 प्लस 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 80 प्लस 6 का स्क्वायर दैट मीन्स ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पर आप बैठा देंगे ए के जगह 80 ले लेंगे और बी के जगह 6 तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को
कैलकुलेशन कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 37,396. इट इज योर आंसर. यहाँ कुछ फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं जो कि आपको याद रखना है, और इस फॉर्मूला पर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनेगा. कुछ फॉर्मूला मैं समझा दे रहा हूँ क्या फॉर्मूला है. फर्स्ट इज x प्लस वाई टू द पावर 2. फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. या इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, x प्लस वाई का स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई. इस फॉर्मूला को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं. सेकेंड फॉर्मूला x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अदर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई. थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. अनदर सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू. फॉर एग्जाम्पल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्लस टेन. अगर आपको वन से लेकर टेन तक बिना जोड़े हुए बताना है कि इसका सम क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, दस नंबर यहाँ दिया हुआ है, दस नंबर तक का सम निकालना है, तो टेन इंटू टेन में एक जोड़ देंगे इलेवन बाई टू. टू फाइव जा टेन, फाइव इंटू एलेवन फिफ्टी फाइव. इट इज योर आंसर. नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स. कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल वन थ्री फाइव सेवन नाइन. तो यहाँ फाइव कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिया गया है जिसका सम पता करना है. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फाइव कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो फाइव का स्क्वायर कर देंगे, ट्वेंटी फाइव. इट इज योर आंसर. नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स. एन कॉन्सिक्यूटिव मतलब एन लगातार सम संख्याओं का योगफल पता करना है. तो इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन. फॉर एग्जाम्पल टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन. यहाँ कितना कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो फाइव. तो फाइव में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, सिक्स. तो फाइव इंटू सिक्स इक्वल टू थर्टी इज योर आंसर. एंड नेक्स्ट आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करना है होमवर्क के रूप में, जिसका मैं फोटो भेज रहा हूँ. तो 3.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे. जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स के थ्रू मुझे रिप्लाई करेंगे, मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा. दैट्स ऑल.